7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक हमला किया था और इस हमले के बाद इजरायली सेना ने गाजा पर चढ़ाई कर दी थी। उस वक्त इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का गाजा से सफाया नहीं हो जाता, लेकिन इतना वक्त होने के बावजूद इजरायली सेना गाजा से हमास का सफाया नहीं कर पाई और अब गाजा के रफा शहर पर भी इजरायल ने हमला कर दिया है। इजरायल का कहना है कि रफा में हमास ने आम नागरिकों को ढाल बनाकर अपना नेटवर्क बना रखा है, जिसे उखाड़ फेंकने के बाद ही वो रफा से लौटेगी। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका से इजरायल की आलोचना हो रही है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल की आलोचना करते हुए कहा कि रफा पर पूर्ण हमला भी अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाएगा। ब्लिंकन का कहना है कि इजरायल के पास हमास का खात्मा करने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ब्लिंकन ने कहा कि इजरायल संभावित रूप से हमास के बचे हुए कई लड़ाकों के साथ विद्रोह का उत्तराधिकारी बनने की राह पर है, या यदि वो इसे छोड़ता है तो अराजकता से भरी एक जगह को हमास शायद उसे फिर से भर देगा। ब्लिंकन ने आगे कहा कि अगर इजरायल जाता है और रफा में भारी कार्रवाई करता है तो उसके बावजूद वहां पर हमास के हजारों लड़ाके बच जाएंगे। हमने ये देखा है कि उत्तर के जिस इलाके में इजरायल ने हमास का सफाया किया था, यहां तक कि खान यूनिस शहर में हमास दोबारा से वापसी कर रहा है। आपको बता दें कि एंटनी ब्लिंकन पहले ही कह चुके हैं कि गाजा में इजरायल की कार्रवाई से नागरिकों की भयावह तरीके से जाने गई हैं। ब्लिंकन ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को जो हथियार भेजे थे, उन हथियारों से संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन भी हुआ है, और यही वजह है कि अमेरिका इजरायल पर गाजा को लेकर एक ठोस रणनीति बनाने का दबाव डाल रहा है। खुद एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि राफा में हमले पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इजरायल को युद्ध के बाद की एक विश्वसनीय रणनीति पेश करनी चाहिए, और इसी वजह से अब इजरायल और अमेरिका के बीच राफा पर हमले को लेकर मतभेद पैदा होते जा रहे हैं और अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल से इशारों में कह दिया है कि अब वो गाजा से अपनी सेना वापस बुला ले, लेकिन इसके बावजूद इजरायल ने दो टूक कह दिया है कि वो रफा में हमास की बची हुई बटालियनों का सफाया करके ही वापस लौटेगा।